चलिए अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज वॉल्यूम। हम अभी तक सरफेस एरिया की बात कर चुके थे, ठीक है। हमने सरफेस एरिया में पढ़ लिया कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है एंड कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड शेप्स की बात कर ली, कि वॉइड की, क्यूब की, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सबकी बात कर ली, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वॉल्यूम। अब अपा ये वॉल्यूम में करते क्या है, क्या आप कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, क्या करना है? यस बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि वॉट इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन अ कंटेनर, तो क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे सपोजिंगली ये वाटर बॉटल दो, सपोज मैंने कह दिया कि ये एक सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल है। अब मैं अगर तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इस वाटर बॉटल में कितना पानी आ सकता है, तो वो कौन बताएगा? वॉल्यूम, कैपेसिटी की बात हुई है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, वो कौन बताता है? वॉल्यूम बताता है। इस रूम में कितने बच्चे आ सकते हैं? वॉल्यूम, ठीक है। इस रूम में एक बच्चे ने, अगर मैंने बता दिया कि एक स्टूडेंट ने इतनी अमाउंट ऑफ एयर ऑक्यूपाई करी है, तो कितनी टोटल एयर ऑक्यूपाई होगी, तब भी क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है। एक गडाउन है, एक गडाउन में हमने स्मॉल बॉक्सेस को रख दिए। एक गडाउन, इमेजिन गडाउन मतलब एक रूम टाइप, बहुत बड़ा सा एक रूम है, उसमें मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस रख दिए हैं, कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? वॉल्यूम से पता चलेगा, ठीक है। उसमें सरफेस एरिया का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके पास कैपेसिटी की बात होगी कि एक रूम में कितनी एयर है, ठीक है, एक कंटेनर में कितना पानी आ सकता है, एक रूम में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, एक गडाउन में मैं कितने बॉक्सेस रख सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमें किसकी हेल्प से निकालनी है? वॉल्यूम की हेल्प से, ठीक है। बात समझ आ गया? वॉल्यूम मीन्स जिसकी कुछ हमने कोई भी अमाउंट दैट कैन बी फिल्ड इन द कंटेनर, या फिर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कितनी क्वांटिटी उस कंटेनर में आ सकती है, वो हमें कैसे पता लगता है? वॉल्यूम से, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हैं, ऑल्दो तुम्हारे पास क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह सब बेटा डिलीट हो चुका है, बट एक बार ही तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तो इसको लिख लो, ठीक है। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है बेटा, इट इज़ एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसके बाद क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब, मतलब जो भी साइड होएगी उसका क्या कर देना आपने? क्यूब। इसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, मैंने आपको राइट सर्कुलर वर्ड का मतलब समझा दिया था, जब आपकी हाइट क्या होएगी? रेडियस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद जो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। एंड लास्ट हेमिस्फीयर का हमारे पास, इट इज 2/3, बिकॉज हेमिस्फीयर का होता है स्फीयर का हाफ, अब इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ऑल दो हमारे सिर्फ ये यूज होने हैं बेटा, और कुछ भी नहीं यूज होना, बट इसको प्लीज एक बार फिर भी नोट कर लो, ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें बेसिक तो पता होए। चलो करें एक्सरसाइज स्टार्ट अब। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे बेटा, एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं इन फॉर्मूलाज को इरेज नहीं कर रही हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला है आपको क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपसे क्या पूछा गया है? वॉल्यूम, जिसमें क्या गिवन है? रेडियस एंड हाइट गिवन है। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो वो क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज होएगी हमारी यहाँ पे? 22/7, ठीक है। उन्होंने कोई इंडिकेट नहीं किया था 3.14 यूज करो, तो अपा 22/7 यूज करेंगे। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर इंटू हाइट मतलब क्या हो जाएगी? 7। अब ये 7 और 7 कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बचा? 6 स्क्वायर को भी अपा कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 6, अब ये 3 और 6 की कटिंग होगी, 2 आ गया। तो आंसर इज 44 इंटू 6,
तो हमारा आंसर कितना आ गया 264 यस. और यूनिट्स यस सरफेस एरिया अगर होगा तो यूनिट्स क्या आते हैं मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी एज पर द यूनिट जो भी यहाँ पे गिवन होएगा उसी हिसाब से अपन यूनिट्स बना लेंगे ठीक है. बट क्यूब लगता है क्यूबिक यूनिट्स लगते हैं यहाँ पे समझ आई बात. चलिए मूव टू पार्ट नंबर टू. अब इसमें भी आपको क्या बोला हुआ है दैट रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. आपको ये गिवन है रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट भी आपको गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर. आपको रेडियस एंड हाइट दोनों गिवन है तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है इट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू अगेन 22/7 आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 एंड हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 12. तो 3 और इसकी कटिंग कर दो 4 यहाँ पे 10 हटा दो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया 7/5 और क्या कटिंग हो सकती है बस. तो 22 इंटू 5 इज 110 इंटू 3.5 इंटू 4 35 इंटू 4 कर लो 5 4 20 14. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इंटू आपने 11 करना है 1540 सेंटीमीटर क्यूब. बात समझ आई कि कुछ गड़बड़ है. अच्छा अपॉन 10 भी है. नहीं हमारे पास अपॉन 10 भी है ना तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी 154 आएगा कल्ला. ठीक है अब चलो समझ आया आप 154 आपके पास रेडियस गिवन था बेटा हाइट गिवन थी सिंपल सा क्वेश्चन था आपसे क्या पूछा गया था वॉल्यूम. ठीक है हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन यूज करा. ठीक है यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट होएगी. वाई बिकॉज आपको नहीं गिवन है कि 3.14 यूज करो तो अगर नहीं गिवन है तो आप 22/7 ही यूज करोगे. ठीक है रेडियस का स्क्वायर कर दिया पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आए और मैंने आपको बोला है कि जब तक ही आपके पास जीरो और जीरो की कटिंग नहीं हो रही ना तो 10 को मत कट किया करो. ठीक है समझ आया. चलिए चलें अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. कैपेसिटी निकालनी है मतलब वॉल्यूम निकालना और वो भी किस यूनिट्स में लीटर्स में ऑफ अ कॉनिकल वेसल. कॉनिकल वेसल है मतलब किस सॉलिड की बात हो रही है कोन की. ठीक है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल. तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन ही निकालना है. ठीक है चलो अब इसमें आपको क्या गिवन है देखो क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट. इसमें आपको गिवन है कि रेडियस कितना है इट इज 7 सेंटीमीटर. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड जो आपकी स्लांट हाइट है स्लांट हाइट आपको कितनी गिवन है इट इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है आपके पास रेडियस एंड स्लांट हाइट बेटा गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ठीक है चलो अब हमारे पास अगर मेरे को कैपेसिटी निकालनी है तो दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा. ठीक है अब इन्होंने बोला है कैपेसिटी निकाल लो लीटर्स में तो पहले मेरे जो यूनिट्स हैं मैं उसमें तो निकाल लूँ फिर लीटर्स में भी निकाल लेंगे. ठीक है वो हम यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास चेंजिंग के लिए यूनिट्स होंगे अपन वो यूज़ कर लेंगे. अच्छा अब ध्यान दो इधर मेरे को क्या चाहिए R और H पर गिवन क्या है R और L. ठीक है तो हमारे पास स्लांट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला था L square is equals to R square plus H square. L square मतलब क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर. R square means क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस H square. ठीक है अब 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625. 7 का स्क्वायर 49 प्लस H square. तो एच स्क्वायर कितना आ गया 625 माइनस 49 विच विल बी 576. किसका स्क्वायर होता है 576 24. तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर. ठीक है बात समझ गए सभी. चलिए अब यहाँ पे अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा 1/3 और पाई की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है 22/7 यूज करनी है
और आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 × 7 एंड एच हमारा कितना है 24। ठीक है, ये हमने एल स्क्वायर से ये वाला रिलेशन बेटा यूज करके हमने क्या निकाल ली, हाइट निकाल ली है। ठीक, चलिए अब इसकी कटिंग कर दो 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 22 × 56 मल्टीप्लाई कर लो 56 और 22 को, 12 × 10 = 11 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर पे जाना है तो कन्वर्जन कैसे करते हैं अपा, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर पे जाना है, डायरेक्ट भी तो जा ही सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 m³ इज इक्वल्स टू कितने लीटर्स होते हैं, 1000 liters, 1 m³ इज इक्वल्स टू 1000 liters होते हैं, एंड 1000 cm³ इज इक्वल्स टू 1 liter हो जाता है। मीटर को ना सेंटीमीटर में चाहे चेंज कर लो, मैं इसी से तुम्हें ये वाली चीज बता सकती हूँ बेटा, 1 m³ में 1000 liter होते हैं। ठीक है, अब 1 m³ का मतलब क्या है, 1 m × 1 m × 1 m इज इक्वल्स टू 1000 liters है। अब 1 m में कितने सेंटीमीटर, 100 cm, फिर 100 cm, फिर 100 cm, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1000 liters। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स जीरोस होगी, अब ध्यान से देखना ये 3 zeros तो कैंसिल ही हो जानी है बेटा इसके साथ, हो जाएंगे ना, नहीं तो इसको ऐसे सोच लो कि डिवाइड कर दिया भाई। ठीक है, डिवाइड कर दिया, जैसे मर्जी सोच लो। अब कितनी जीरोस बची, 1, 2, 3, मतलब 1000 cm³ इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 liter। बात समझ गए, ठीक है, अगर एक भी याद होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, नहीं तो यू कैन ड्राइव इट, कोई बड़ी बात नहीं है, कन्वर्जन हमने छोटी क्लासेस में करनी सीखी थी। ठीक है, मीटर क्यूब है इसलिए 3 बार इसको मल्टीप्लाई भी की है, समझ आ गई बात। तो अब सेंटीमीटर क्यूब से लीटर पे आना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड, खुद सोचो 1000 cm³ में कितने लीटर, 1। तो अभी इसको तो चलो भूलो, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा मीटर के लिए लिखवा दिया है। 1 cm³ में क्या हो जाएगा, 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 2 cm³ के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 2 liter, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.232 liter। मतलब अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से लीटर पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से अगर मेरे को लीटर पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और अगर मेरे को लीटर से सेंटीमीटर क्यूब पे आना है तो मल्टीप्लाई। बात समझ आई, सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, डिवाइड बाय 1000, और अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब पे आना है तो मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, लग गई बात समझ, आपको ये वाला पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट एक ये वाली लिख के कि 1 liter में इतने होते हैं, बाकी सारा पार्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। समझ आ गई बात, किसी को कोई डाउट, ओके नोटेड डाउन। चलिए अब लास्ट सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें आपको हाइट गिवन है 12 cm, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल, जिसमें आपको हाइट गिवन है 12 cm, हमारे पास हाइट कितनी गिवन है h 12 cm, एंड हमें स्लांट हाइट गिवन है वो कितनी है 13 cm। ठीक है, अब अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो इट विल बी 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 into r स्क्वायर, r तो पता ही नहीं कहाँ से निकाल लूँ r, यस बिल्कुल सही, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, तो स्लांट हाइट कितनी गिवन है 13, आर स्क्वायर मेरे को पता नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12 स्क्वायर, तो इट विल बी 169 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 144, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 − 144 विच विल बी 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, किसका स्क्वायर 5 का। ठीक है,
तो वॉल्यूम को थोड़ा सा एडजस्ट करके इधर लिख लेते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5 × 5 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये कटिंग होगी 4। ओके 5 × 5 = 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 22 क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम इसको चेंज किस में करना है, लीटर्स में, तो लीटर्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, तो 7 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 1000, यहाँ पे लीटर्स आ जाएगा, ये दो कैंसिल कर दो। और क्या कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर दें बिकॉज अभी 70 से नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 11 ये 5, तो 11/35 लीटर्स आंसर आ रहा है, पॉइंट्स में चेंज करेंगे बट ये भी इसको, समझ आया मैंने क्या किया, 2200/7 था, लीटर्स में चेंज करना था तो डिवाइड करना तो नीचे ही आएगा भाई, डिवाइड बाय 1000, दो जीरोज ये कैंसिल होगी, 10 और 22 को कैंसिल कर दिया, ये पार्ट आ गया। ठीक है, नहीं तो आप सीधा 22/7 को भी डिवाइड कर सकते थे, रुक जाओ इसको अपन थोड़ा सा और भी सिंपल कर सकते हैं। देखो हम इसको ऐसे करते हैं, 22/7 को अलग कर देते हैं, 100 को अलग और 1000 को इधर से डिवाइड कर देते हैं, ये लीटर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये दो जीरोस कैंसिल, 22/7 क्या होता है, इट इज 3.14 और अपॉन क्या है 10, ये ज़्यादा इजी है, 0.314 लीटर्स इज योर आंसर। ठीक है, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन अगर देखें तो, क्लियर। चलिए नोट डाउन, जल्दी से नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 उसका क्या है, वॉल्यूम है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ऑफ द बेस मतलब रेडियस किसका पूछा है, कोन का बेस क्या होता है, सर्कुलर वाला पार्ट, ठीक है, जो सर्कल होता है, ठीक है, उसका आपसे रेडियस पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इसके बाद आपको बोल दिया है कि इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट से सेम है तो कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है, सीधा आपका क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हमें क्या निकालना है, रेडियस। अब वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h एंड दैट इज इक्वल्स टू 1570। अब पाई इन्होंने हमें बोला है कि 3.14 यूज करना है, ठीक है, तो इट इज 1/3 × 3.14। अब आर स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा बिकॉज वही तो हमें फाइंड आउट करना है, और हाइट की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 15, ठीक है, इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1570, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इधर आके क्या होएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड ये 3.14 डिवाइड और 15 भी डिवाइड, पॉइंट हटाओ नीचे ऊपर क्या चला जाएगा, 100, 314 और 1570 कटिंग हो जाएगी इनकी, कौन से टेबल पे, ये 10 और ये क्या आ जाएगा 2, 157 का डबल ही तो है 314, ठीक है, तो यहाँ पे 157 का डबल किया 314 आ गया, यहाँ पे एक जीरो थी 10 आ गया यहाँ पे, नहीं तो इंटू 10 कर लो भाई, इसको अलग अलग कर लो जैसे मर्जी कर लो, 157 × 10 × 3 × 100 कर लो अपॉन 314 × 15 कर लो। अब ये डबल है इसका, ठीक है, तो 157 × 2 हो जाएगा, अब 2 और 10 की कटिंग कर दो 5 आ गया, 3 और 15 की कर दो 5 आ गया, ये इसकी कटिंग कर दो, कितना आंसर आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, बाकी तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम आंसर क्या लिख देंगे कि जो हमारा रेडियस है वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, बात समझ आई, अगर ये ऐसे नहीं समझ आ रही कैलकुलेशन कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, ऐसे कर लो, ठीक है, बट कोशिश किया करो कि कैलकुलेशन को ईजी बनाओ। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48π cm³, फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। अब डायामीटर से पहले क्या निकलेगा, यस, रेडियस का डबल कर देंगे तो डायामीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है,
वॉल्यूम गिवन है और वो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से सुनो, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस केस में हमें हाइट भी गिवन है कि वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई। मैं अब यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट्टी नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कैंसिल हो जाना है, बिल्कुल सही। अब रेडियस, पहले रेडियस निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू 48 पाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 और पाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, पाई और पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 3 9 हो गया, फिर इसके बाद 3 1 is 3 6 18, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम आंसर दे देंगे कि जो हमारा रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। पर क्या निकालना था, डायमीटर, सॉरी हमने तो पर डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर ऑफ कोन क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। समझ आई बात, ठीक है, पहले रेडियस निकाल लो, रेडियस के बाद क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। दोबारा बोल रही हूँ, उन्होंने क्या बोला है, कहते एक कॉनिकल पिट है ऑफ टॉप डायामीटर इज 3.5 मीटर और जो उसका डीप है, डीप मतलब क्या हो गया वो हाइट। उन्होंने क्या बोला है तुम्हें क्वेश्चन में, ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कहते एक कॉनिकल पिट है, जिस कॉनिकल पिट ऐसे इन्वर्टेड कोन हो जाएगी वो, ठीक है, एक कॉनिकल पिट है जिसका टॉप डायामीटर, डायामीटर आपको कितना गिवन है, यस, मतलब हमारा यहाँ से लेके ये वाला पार्ट पूरा कितना गिवन है हमें, इट इज 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, एंड ये कितना डीप है, 12 मीटर डीप है। ठीक है, एक कॉनिकल पिट है बेटा जिसका टॉप डायामीटर इज 3.5 एंड इट इज 12 मीटर डीप। पूछा क्या गया, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं फिर उसको किलोलीटर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन है डायामीटर विच इज 3.5 मीटर और इससे हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, यस 3.5 अपॉन 2 मीटर। अब डीप इतना है तो दैट मीन्स वो क्या है इसकी हाइट, तो अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूंगी, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पेट वो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 1/3, पाई कितना यूज करना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू एच की वैल्यू 12, ये 3 और इसकी कटिंग होगी 4 आ गया, पॉइंट हटाओ नीचे 0, इधर भी पॉइंट हटाओ नीचे 0, 7 और इसकी कटिंग होके 5 आ गया, ठीक है, और 5 4 का क्या हो गया 20, तो हमारे पास अब क्या बच रहा है 22 × 35/20, अब 5 7 5 4, ठीक है, फिर आगे 2 11 2 2 4, बस, तो इसका आंसर आ गया 77/2 जो कितना होता है 5 आगे मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से अगर मेरे को लीटर पे आना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 1000, पर यहाँ पे तो अपन लीटर पे पूछा क्या गया है किलो लीटर, अगर आपको कन्वर्जन अगर याद है बेटा तो 1 meter cube इज इक्वल्स टू 1 kiloliter ही होता है। अब ये कैसे हुआ ये भी तुम समझ लो, 1 meter cube में कितने लीटर्स होते हैं 1000, अब अगर मेरे को लीटर से किलो लीटर पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 ही करना पड़ेगा, किलो लीटर हो गया ये कैंसिल हो गया, तो 1 meter cube में कितने किलो लीटर, सेम ही होते हैं 1 kiloliter, तो इसी को ही हमने क्या लिख देना है 38.5 kiloliters।
ये हमारा वॉल्यूम आ गया इन किलो लीटर्स, कैपेसिटी इन किलो लीटर्स आ गई। समझ आई बात? क्लियर है बेटा? चलो जल्दी से इसको नोट करो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा बाद में देखती हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला उन्होंने? द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। वॉल्यूम आपको गिवन कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में। उन्होंने क्या बोला है? जो वॉल्यूम है वो कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद कहते हैं द डायामीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। जो हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। तो बेटा इन शॉर्ट हमें रेडियस कितना दे दिया इन्होंने? 14 सेंटीमीटर। 28 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या क्या गया? कहते हैं फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, थर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपसे क्या क्या पूछा गया है? कहते हैं फाइंड द हाइट, स्लांट हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, तीनों चीजें पूछी है। समझ आया क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, डायामीटर ऑफ द बेस इज दिस, फाइंड दिस। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ कि इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपको कितना गिवन है? 9856। ठीक है, तो पाई को हमने 22/7 ही यूज करना है यहाँ पे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14 एंड इंटू एच इज इक्वल टू 9856। अब 7 और ये कटिंग कर दो, 2, और कोई कटिंग नहीं होनी। 22 इंटू 2, ये सारा पार्ट अब उधर ले जाओ। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9856, 3 हो गया मल्टीप्लाई, 22 भी डिवाइड, 2 भी डिवाइड, 14 भी डिवाइड। अब पहले इसको 11 पे कट कर लो, चेक कर लो कि 11 पे कट होगा, नहीं तो इसको अगर थोड़ा सा सिंपल बनाना है तो पहले 2 से कर लो, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, तो पहले 11 पे कट करके देखते हैं। 11 8 88, 10 9 99, ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, 896 आ गया। ठीक है, 11 से क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे 22 पड़ा है, इसके फैक्टर्स दो ही होने वाले हैं, 2 एंड 11। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सीधा डायरेक्ट कर दिया, ये 2 आ गया। अब 2 इंटू 2 4 होता है, ये 4 के 4 से भी डिविजिबल है, तो 2 2 4 कैंसिल करके 4 2 8, फिर 4 2 8, फिर 4 16। ठीक है, अब इन दोनों की भी कटिंग हो रही है, 7 के टेबल पे 7 3 21, फिर 7 2 14, इधर क्या आ जाएगा? 7 2 14, इसकी कटिंग होगी, कितना आ गया? 16। तो हमारे पास h कितना आ गया? 16 into 3, विच इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन, जिसमें उन्होंने हमसे क्या पूछी थी? हाइट ऑफ कोन पूछी थी, वो हमारी कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रही है हमसे स्लांट हाइट, तो वो क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 14, 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 48 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर इज 196 एंड 48 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2304, और इसमें 196 ऐड कर दो, 2500 आ रहा है। अब हमारा एल स्क्वायर कितना आ रहा है? इट इज 2500। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये किसका स्क्वायर है? 50 का। तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। एल स्क्वायर अगर 2500 है बेटा, तो एल कितना आएगा? रूट 2500 आएगा। अब रूट के अंदर दो जीरोज हैं, तो एक जीरो बाहर आ गई, और रूट 25 क्या होता है? 5। तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। हमारा सेकेंड पार्ट भी डन हो गया कि जो हमारी स्लांट हाइट थी वो कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है? पाई आर एल। तो वो हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू 50, ये कैंसिल होके 2
सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर. ओ सॉरी 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 स्क्वायर सॉरी. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नोट डाउट.